हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सोलर पीवी इंजीनियर आशीष मिश्रा। आज हम लोग यूटीएल सोलर का सन प्लस प्रो की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग में बेसिकली हमने दो मॉडल ही दिखाए हैं, 920 और 1020। तीसरा मॉडल और भी है जिसका मॉडल नंबर है 1420। ये मॉडल यूटीएल ने लॉन्च किया है बेसिकली 3 ईयर वारंटी के साथ। और पहले जैसा कि आपको पता है, 12 वोल्ट में केवल गामा प्लस ही अवेलेबल था, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये 12 वोल्ट में RMPPT इन्वर्टर है, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं आप। ये 920 मॉडल की बात अगर करें तो ये इन्वर्टर जो आपका करीब 700 VA 560 वॉट का है, जिसमें VOC रेंज 15 से लेके 53 वोल्ट है, 46 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है। दूसरा मॉडल जो हमारा है 1020, ये 900 VA है, 720 वॉट है, इसकी भी VOC रेंज 15 वोल्ट से लेके 53 वोल्ट तक है और 60 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर इसका भी। इसका खासियत ये है कि इसमें आपका 540 वॉट या 555 वॉट के सोलर पैनल इंडिविजुअल लग सकते हैं इसमें, या फिर आप 240 या 225 के दो पैनल लगा सकते हैं। पीछे कूलिंग फैन वन दिया है, सेटिंग्स पीछे दी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं सेटिंग्स दी हुई है, प्लस QR कोड आपको स्कैन करके आप इसका मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा है जिसमें आप सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट डिस्प्ले में देखें तो ग्रिड का स्टेटस दिखाता है, ग्रिड चार्जिंग दिखाता है, बैटरी का स्टेटस दिखाता है, ऑन है कि ऑफ है, SPV चार्जिंग यानी कि सोलर की चार्जिंग दिखाता है, बैटरी का स्टेटस दिखाता है और फॉल्ट कंडीशन ओवरलोड या ओवरहीट होने पे इंडिकेशन दिखाता है। तो LED इंडिकेशन है, LCD डिस्प्ले नहीं है इसमें। ऑन ऑफ की बटन है, कैबिनेट भी बढ़िया बनाया है, ओवरऑल अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर निकाल दिया है। MPPT यूज़ करने के लिए सारी रेंज है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।